गुड मॉर्निंग दीपक जी। गुड मॉर्निंग मेडिक्राउ। हाँ जी। आज अपन कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर यार, मैचिंग का हो गया ना। तू कहती मैं कुछ लेके नहीं आई पहले। मैंने भूल गई, मैं ना मेरा ऐसा मूड हो गया, मैंने कहा चलो मैं सुबह सुबह ना पहले टी शर्ट्स वगैरह लेती हूँ, मेरे पास लोअर है और लोअर टी शर्ट डाल के मैं चली जाऊंगी। मैंने एकदम से बैग चेक किया, उसमें एक जीन टॉप निकल आया, तो मैं बहुत खुशी हो गई और मैंने ये वियर कर लिया। बस अब चप्पल लेनी है अगर मिल गई ना। चप्पल पता मेरे पैर में बहुत ज्यादा लग रही है, वो सामने ब्राउन वाली पड़ी है, वही डाल रही वाली है। उससे पहले मैं बैंडेड लगाने वाली हूँ फिर से, और इयर रिंग्स। आज कान सुने सुने नहीं रहेंगे, कानों में मैं इयर रिंग्स डाल लूंगी। पैर की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हुई है, रात को ना मेरे से ये इस पे पैर लग गया, अब ज़्यादा दर्द हो रही है, इसके ऊपर बिल्कुल भी हाथ नहीं लग रहा। मेरे इन्होंने निकाली अपने पर्स से बैंडेज। पता क्या, ये वाली स्किन इस साइड पर उतरी है ना, तो इस स्किन को ना साथ में अटैच कर देंगे, ठीक है? हाँ? ऐसे हाँ, हट 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 हट, छोड़ छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। लगाऊं के रहने, इनमें भी लगाना नहीं। पता क्या, और जोड़ा जो बैंडेज के ऊपर लगा होता है ना, उसके ऊपर ग्लू वगैरह नहीं होता कुछ भी, उससे सॉफ्ट रहेगा, ठीक रहेगा। पर घर जाके निकाल देनी है। अच्छा लगा शिमला का ट्रिप? बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़ी सी एक्साइटमेंट है क्योंकि हमने ट्रेन में जाना है, बस एक हमारी टिकट मिल जाए, सीट मिले चाहे ना मिले टिकट मिल जाए। और ट्रेन हमारी बिल्कुल सामने, ट्रेन सामने खड़ी हुई है, बस वहाँ पे पहुँचना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि बसेस चेंज करनी पड़ेगी, दो फिर पहुँच जाएंगे। अपने बैग का यही सोच रहे कि बैग हम दी की गाड़ी में ही भिजवा देंगे, ताकि सिर्फ पर्स हो, हैंड बैग हो, बस और कुछ भी ना हो। आज कितनी अच्छी धूप लग रही है यहाँ पर, जब ठंडा हो ना थोड़ा मौसम तो धूप अच्छी भी लगती है। यही गर्मी होती तो मुझे धूप बर्दाश्त भी नहीं होती, बहुत गर्मी लगती है फिर मुझे। आज मैंने फर्स्ट टाइम हिमाचल रोडवेज की राइड विद प्राइड टेम्पो ट्रेलर में सफ़र किया, अच्छा लगा। इसमें ड्राइवर ही टिकट काटते हैं और वही ड्राइविंग करते हैं, तो अभी अंजल को मैंने बोला कि तू बाकियों के साथ गाड़ी में आए ना, और उसको यहाँ पे पिक कर लूँगा, मैं पिक कर लूँगा कि यहाँ पे उतरने का बोल दूँगा, और यहाँ से हम लोग जाएंगे रेलवे स्टेशन। मैं ना बस का सफ़र करके काफ़ी अच्छा लगता है, एक तो यहाँ पे गर्मी नहीं लगती और ऐसे भी एक माहौल सा होता है। अभी यहाँ पे रुक करके आंचल का वेट कर रहा हूँ मैं, उसके पास मोबाइल नहीं है, उसका फ़ोन मेरे पास है, तो अगर रेलवे स्टेशन के पास बोल उतरने को बोलता उसको ना पता चलता फिर हम दोनों गुम हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने उनको बोला कि यहाँ पे उतार दो आंचल को, यहाँ से बस में ले जाऊँगा अपने साथ और हम फिर जाएंगे ट्रेन में। अभी टाइम हो रहा है 1 बजे का। हम ऐसे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ऊपर से जाते ना तो ट्रैफिक होता, और हमने रेलवे स्टेशन जाना तो यहाँ से पैदल जा करके थोड़ा ही दूर है, हाँ है ना। और अब सॉक्स पहन के लगते नहीं, नहीं ये देने ना मुझे सॉक्स दे दिए थे, नहीं पता बस ना बहुत भरी भरी जा रही है, हाँ, तो मेरा मन नहीं कर रहा, आ जाओ नीचे। बस का सफर होता है आगे तक जाना होता है, तो अगर हम सीट पे बैठे फिर हमें पता नहीं चलेगा स्टेशन कब चला गया। नहीं पास में वो हुआ उस तरफ, मैंने फटाफट गाड़ी में सामान रखवाया। हाँ जी, मैंने कहा अंकल को उनके साथ आने के लिए बोल देता हूँ, मेरे को वहाँ पे मिल गई टेम्पो ट्रैवल HRTC की राइड विद प्राइड। हाँ जी, उसमें बैठा हूँ, पहुँच गया। अभी ना मतलब मेरी जो सॉक्स मैंने डाली है ना उससे थोड़ी हेल्प मिल गई, वो ना मुझे प्रिया दिन बोलती है ये सॉक्स डाली इससे थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगी, तब इसलिए चल पा रही हूँ, नहीं तो ट्रेन चलती है जो दिल्ली साइड जाती है, जो बटाला में चलती है। हाँ जी, बोलते हैं ब्रॉड गेज, जैसे ओके। लेडी डर जाती है वो ना हल्ला ज्यादा मचा सके, और फिर समझ लगी मेरी बेइज्जती कर देंगे कि मेरी इज्जत कर दे।
हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर, इस राते हुए दिन बिताना यहाँ कर क्या हो किसने जाना। यहाँ पे हमारा सेटअप लग रहा है, हम एक रील बनाने लगे हैं यहाँ पे। चलिए बस थोड़ा सा कैमरा सेट वगैरह हो जाए। भागो 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 भागो। ट्रेन का इंजन स्टार्ट हो चुका है, बस अभी जाकर के हमने टिकट लेनी है, ज्यादा देर नहीं करनी है, तो पहुंचेंगे हम स्टेशन पे। पर आज बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ, क्योंकि आज हमारे पास लगेज नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं आज। सही बात है, ट्रेन के इंजन की आवाज सुनकर कुछ कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी ना ट्रेन में बैठने की। कोई बात नहीं, हम जनरल उसमें लेके ना फिर खड़े हो चले जाएंगे, आगे जाके हम उतरेंगे सोलन में। ठीक है, सोलन तक 3 घंटे लगेंगे, तो उससे पहले उतर जाएंगे, टिकट सोलन के ले लेंगे। यहाँ पे 5 इंजन खड़े हुए ट्रेन के, अभी तो 5 दिखे, एक दो हो सकता है आगे भी हो, और एक आधी ट्रेन आने वाली भी होगी ना नीचे कालका से। पर यार अच्छा लगता है यहाँ पे पहुँच करके शिमला। बिल्कुल भी टेंशन नहीं, इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अंजल जब हम सर्दी में आते हैं ना, पूरी यहाँ पे बर्फ होती है, पूरा ट्रैक बड़ा अच्छा लगता है, पर उस टाइम पे आने का मौका नहीं मिला, कभी आएंगे दोबारा ना उस टाइम पे भी। अभी ट्रेन आने वाली है, टाइम हो चुके है पूरे 1:30 बजे का, वो सामने घड़ी लगी है। टिकट लेने जा रहे हो? ओके, और मैं यहाँ पे वेट करती हूँ। और हमारी जो ट्रेन है ना, आई थिंक नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी होगी। कभी ट्रेन स्टेशन पे रुकती है ना, तो उसको ऐसे जंजीरों से बांध देते हैं, ताकि रेलवे ट्रैक की स्लोप होती है, और इसको ऐसे बांध देते हैं ताकि ब्रेक फेल होने से आगे पीछे ना जा सके। ट्रेन तो यहाँ पे लगी हुई है, बस इसका इंजन जो है ना वो वहाँ से टर्न होकर के आएगा, तब तक हम अपनी टिकट ले लेते हैं ना। मैंने यहाँ से टिकट ले ली है, 630 रुपये रिजर्वेशन का है, अगर 2 टिकट लेनी है कालका तक या फिर सोलन तक कहीं पे भी जाओ, उसका फ्लैट किराया है। और हमने ले जनरल, क्योंकि हम सोलन उतना है, तो हमने ले ली टिकट, और यहाँ से टिकट मिलती है, और नीचे जा करके ट्रेन खड़ी हुई है, उससे पहले जा करके ट्रेन में अपनी सीट ले लेते हैं। देखो हमें ट्रेन तो मिल गई, ये वाली हमारी ट्रेन है, और आंचल खाने के लिए लेके आ रही है अपने सामान सारा। आंचल आ जा, कौन सी सीट पे? एक इस साइड में बैठ जाओ, एक इस साइड में, ठीक है? दोनों विंडो है, नहीं ये ठीक है, यहाँ से पता क्या है, यहाँ से ये डोर नज़दीक है, तो जब हमें उतर खड़े होना है डोर में, तो डोर में खड़े हो सकते हैं देखने के लिए। पर यार डोर उस साइड में लास्ट में देखे हो एक बार, नहीं है उसमें क्या है? ओके मैं जा गया था फटाफट ना, ये सीट रिजर्व रखना, यहाँ पे बोतल रखते पानी की। ट्रेन है हमारी आज की, इस ट्रेन का नाम क्या है? ट्रेन का ना नाम लिखा था हिमालयन क्वीन ऐसे ऐसे करके ना, तो इसका नाम नहीं मेरे को पता। और ये सारे डिब्बे जो है ये रिजर्वड है, इनका किराया है 630 रुपये फ्लैट किराया है, चाहे आप सोलन उतरो चाहे आप उतरो कालका में, तो ये रिजर्वड है। और इसमें कर्टन्स वगैरह लगे, बाकी सारा कुछ सेम है। और ये वाले लास्ट के 2 डिब्बे हैं जनरल में, और ये वाला है कालका शिमला कालका एक्सप्रेस, ये वाला डिब्बा सारा खाली है, यहाँ पे भी हम लोग बैठ सकते हैं, और इसमें भी सही है, सब कुछ सेम है, बस ये कि ये लास्ट में है, लेकिन मेरे को ये कि इंजन के पास बैठेंगे तो मज़ा आएगा। फर्स्ट क्लास चेयर कार, और ये फर्स्ट क्लास डीलक्स चेयर कार, तो इनकी सीटें पुश बैक होगी, कंफर्टेबल होगी, लेकिन ये ट्रेन सारी कंफर्टेबल है, इस ट्रेन में हमें किसी भी तरह की निराशा नहीं मिलेगी। ट्रेन चलते हैं तो ऐसे ऐसे डामाडोल होती है, बट मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। देख लिया पहले? हाँ, बताऊँ कौन आ रहा है वो, देख छुपा ले छुपा ले जल्दी, अभी ट्रेन 2:05 पे चलेगी, 2:15 पे या 5 पे कुछ ऐसे। आया नीचे फोटो क्लिक करूँगा, आ जा। देखो ऐसे ट्रेन की जो रेलवे लाइन है वो चेंज होती है, अभी तो इसको बंद कर दिया, ये क्या किया इन्होंने, इंजन ही बंद कर दिया। अब समझ आया, उन्होंने पहले पीछे वाला इंजन जो है वो बंद किया, अब ये वाला स्टार्ट किया, अब इसको लेकर के आगे जाएंगे और गाड़ी के साथ जोड़ेंगे, फिर इसको बंद करेंगे, फिर दूसरा इंजन स्टार्ट करेंगे। देखो कितना मुश्किल होता है इनको गाड़ी को टर्न करना। देखो सर हॉर्न में जाना एक बार।
ट्रेन की इंस्पेक्शन चल रही है, ट्रेन चलने से पहले सारी इसकी इंस्पेक्शन होगी। और इस साइड लग चुका है इंजन और हमारा डिब्बा बिल्कुल इंजन के साथ स्टेशन पे ना, साथ में वो देखो शॉल वगैरह मिल रहे हैं, लोग लेते भी हैं यहाँ से, क्योंकि जैसे या तो जाते टाइम के लिए ले लेते हैं यहाँ से और या फिर आते टाइम के लिए। मफलर 99 रुपीज़, शॉल 450। और सब लोग तैयारी में बस जाने की। और बिल्कुल अंदर एंट्रेंस पे कुछ डब्बे इस तरह के हैं और इस तरफ भी वॉशरूम है और एक लास्ट में वॉशरूम है। और इस तरफ बहुत धूप है, जिस तरफ मेरी सीट है। और पहले मैंने सॉक्स डाली हुई थी, मेरे को लगी गर्मी, मैंने उतार दी है और अभी दर्द हो रही है फिर से। इसे हाय, ये जो लोग शरारते करते हैं उनको इससे डराते हैं। हम लोग ना अभी लास्ट डिब्बे में आकर के बैठ गए क्योंकि यहाँ डिब्बा ही खाली है और यहाँ से अच्छा व्यू दिखता है ट्रेन का आगे का। जब ट्रेन से पीले रास्ते चलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ट्रेन क्यों रुकी थी पता? नहीं, ट्रेन रुकी क्यों थी? नहीं, उसने ना अपनी ब्रेक टेस्ट किया कि ब्रेक लग रही है, क्योंकि साथ लगातार उतराई है ना, इसलिए। हाँ, आगे देख अंचल ट्रेन। चल पहली सुरंग शिमला से, पहली नहीं है ये, 103 नंबर है, 101 नंबर है। मजा आ रहा है ना? समरहिल यूनिवर्सिटी का स्टेशन है और ये सामने मैडम बैठ करके मेहंदी लगा रही है एक दूसरे को। आंचल लगवानी मेहंदी? सामने कितना ज़्यादा प्यारा शहर दिख रहा है, पूरा शिमला। हम शिमला से इतना दूर नहीं आए, अभी हम सिर्फ तारादी गए। यहाँ से ना बहुत लोग जो है वो उतर भी चुके हैं, यहाँ से एक शॉर्ट राइड के लिए आते हैं। और देखिए हमारी वीडियो बन रही है, हम भी उनकी बना रहे हैं। स्टेशन पे सब रुक के फिर यहाँ से आगे फिर से कैब करके या बाय बस फिर से शिमला पहुँच जाते हैं एक शॉर्ट राइड के लिए। और ये काफ़ी देर से वहीं पर खड़े आ ही नहीं रहे हैं। सब लोग बोल
देखी मैं सोता रहता देखो आंचल सो रही है, सो रही है, नींद आ रही है ना। मजा आ रहा सफर ट्रेन का, देखो बाहर का नज़ारा। ट्रेन के सफर में ना एक अलग ही फील है, मज़ा आ रहा है। और जिसके पास टाइम की शॉर्टेज नहीं है ना, वो ट्रेन का सफ़र ज़रूर करके देखना शिमला से। शिमला से ये वाली ट्रेन 2:15 चलती है, आप 1:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना ताकि आप डिले ना हो। ट्रिप हमारे लिए इसलिए भी एक मज़ेदार ट्रिप है क्योंकि इस बार इनको ना तो ड्राइव करने की टेंशन है, ना ही मतलब कोई भी टेंशन नहीं है इनको कि खुद से ड्राइव करनी पड़ेगी। और भी जो जो भी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, क्योंकि फिर देखो हम तो इंजॉय कर लेते हैं गाड़ी में बैठ बैठ के, लेकिन ये तो सिर्फ इनका ध्यान किधर होता है, मेन सड़क की तरफ कुछ हो ना चाहिए, वो सारी फैमिली साथ में बैठी है, तो यहाँ पे हम एक दूसरे को भी बहुत सारा टाइम दे पा रहे हैं। और एक हमारे लिए न्यू ट्रिप है ट्रेन और बस का सफ़र करके, तो ये ट्रिप हमारी बहुत ही अच्छी हो गई है। और अब ना स्टेशन आएगा कंडा घाट, तो वहाँ पे ना कंडा घाट है ना स्टेशन, हाँ, तो वहाँ से एक फिर उसके अगला स्टेशन क्या है, स्लोगढ़, उसके बाद सीधा सोलन, तो सोलन में हम उतर जाएंगे। हाँ जी, मतलब मज़ा आया इसमें, नहीं ऐसे नहीं है ना स्पीड ब्रेकर की वजह से हम बोर हो, बट मज़ा आया ये सफ़र में। और अब बस हम यहाँ से आगे उतर जाएंगे और उसके बाद बस में ट्रैवल करके घर पहुँच जाएंगे। कंडा घाट स्टेशन आएगा ना, वहाँ बोलते हैं पकौड़े मिलते हैं। पहले पिछला स्टेशन गया, मुझे नाम याद आ रहा है तनो, उससे पिछला था शायद। एक्चुअली ये वो स्टेशन आ गया, वो जगह आ गई साइड में हाईवे होगा, फोटो क्लिक की देखो याद है। बाकी मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है क्योंकि अब टाइम हो चुका है 5 बजे के पास पास का। और आपको ना हम एक और चीज़ इन्फॉर्म करेंगे कि जो आज हमारी 2:15 की जो ट्रेन चलती है ना, ये आगे से मतलब 1 मंथ के लिए नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे। मतलब आज भी अगर ये ना चलती ना, कल से ये बंद हो जाएगी। अगर आज ना होती तो शायद आधे टाइम भी हम ट्रेन में ना आ पाते। से चल कर ट्रेन के लिए, अगर ट्रेन में अगर कुछ खाना पीना है ना, तो सिर्फ आपको कंडा घाट मिलेगा। देखो सब लोग यहाँ पे उतर करके कुछ ना कुछ ले रहे हैं खाने के लिए। यह है कंडा घाट का स्टेशन। क्या खाना है अंचल? चाय भी नहीं है? पकौड़े ले लो, चाय भी है, चाय पकौड़े ले लेते हैं ना। कितना हो गया? खाने पीने की एक ही दुकान है और बहुत भीड़ होती है, गाड़ी सिर्फ 6-7 मिनट के लिए रुकती है यहाँ पे, तो फटाफट से सबको अपना सामान लेना होता है। अंकल जी इस ट्रेन के कोच गार्ड है ना, वो रोपड़ से है, और सारी मैगी मत खाना, दिखाना अच्छी है। 10 की मैगी 40 की मिल रही है ना, पर कुरकुरे 10 के ही है, ये इनका रेट नहीं ज़्यादा। चाय लेनी और वो आ रही है, चाय और ले ले, अच्छी है ना चाय। हाँ यार, ये नीचे है कंडा घाट, मेन नेशनल हाईवे जो शिमला चंडीगढ़ के लिए है। और कंडा घाट का ना बेसन भी बहुत मशहूर है। ये चल रहा है 4 लेन का काम, शिमला चंडीगढ़ 4 लेन का काम। हम दोनों को ना बहुत भूख लगी थी, अभी आंचल आंचल ने पकौड़े मंगाए और आंचल मिल रही है, चाय लेने के लिए गई है। आंचल ने इशारा किया कि चाय ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो दोबारा से बना रहे हैं। ट्रेन यहाँ पे 5-10 मिनट के लिए रुकती है क्योंकि सबको रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है, लोको पायलट्स को भी, और जो सामने टीटी खड़े हैं वाइट शर्ट वाले, सबको रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है। बाय बाय अंकल जी। बस लास्ट स्टेशन लोकड़ा, इसके बाद सोलन है जहाँ हम उतरने वाले हैं। और ट्रेन ने अपना हॉर्न पूँ बजा दिया, जिससे कि अब हमें पता लग गया कि हम निकलने वाले हैं यहाँ से भी। चलिए जी, हरा झंडा दिखा दीजिए, हमें पहुँचा दीजिए सोलन, हम लेट हो जाएंगे घर के लिए। और सामने देखो अमरूद का पेड़, अमरूद भी लगे हुए हैं, पक्के पक्के लग रहे हैं थोड़े। आ गया हमारा प्यारा शहर सोलन। चलिए जी, अभी पता हमने टोटल कितनी टनल्स क्रॉस कर ली, 54 में भी
सुनो मैं अभी बता रही थी सबको कि कल से ये वाली ट्रेन बंद, कल से ये ट्रेन बंद है एक महीने के लिए, क्योंकि रेलवे के पास ना कोचेस नहीं है, मतलब डिब्बे नहीं है, तो ये वाले डिब्बे जो है बाकी ट्रेन के साथ जोड़े जाएंगे और बाकी ट्रेन चलेगी। ये वाली ट्रेन एक महीना हो सकता है, एक महीने से ज्यादा बंद रहेगी। मतलब सवा दो बजे ना उन्होंने बताया, जो सवा दो वाली जो ट्रेन चलती है ना कालका, ओ शिमला से कालका के लिए, उसमें मत बैठना, मतलब सोच के मत आना, क्योंकि वो ट्रेन होगी ही नहीं। ये लास्ट जो हमारा स्टेशन आने वाला, उससे पहले हम एंजॉय करें, आई थिंक वही है सामने ही है, वही होगा किधर है, ओके। तो बस हम यहाँ पे खड़े होके इसको एंजॉय कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, बस सुनो आ गया चंबा घाट नहीं आएगा, सीधा सोलन आएगा बस। अब हम भैया को बोल सकते हैं ना कि हम ट्रेन में बैठ लिए, जिन ट्रेन हमारे सामने से गई थी ना, अब जाके दिखाए, अब जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ठीक है ना। अभी हम सोलन के स्टेशन पहुंच चुके हैं और यही ट्रेन, ऐसी ही ट्रेन थी जो हमें छोड़ के चली गई थी, क्या नॉन स्टॉप थी वो। और ये ट्रेन आज लास्ट दिन है इसका, बाय कर दो अंजल इसको, ये है वो देखो ऊपर की लाश लगे हुई है ना, ठीक है जी। 5:30 बजे का और आंचल की विश पूरी हुई, मेरी भी जो क्या थी मेरी जिद थी वो पूरी हो गई, तो फाइनली ट्रेन का सफर हमने आज कर लिया। फिर यहाँ से जाएंगे नए बस स्टैंड, ऑटो में बैठ के, इस टाइम पे ऑटो मिल सकते हैं ना, क्योंकि उस दिन हमने ऑटो ऑटो ऑटो, उस दिन हमें थकान भी थी, आज थकान नहीं है, बस में ज़्यादा थकान हुई थी, बस में ज़्यादा थकान हुई थी, वो करा रहे हैं कि बस में ज़्यादा थकान हुई थी, ट्रेन में नहीं बिल्कुल भी ना। इधर घूमना, इधर घूमना, हस हस हस, क्या है फूल लगा नहीं, रुक जा दूसरा लगा, तो दूसरा है यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगेगा, नहीं कहाँ पे देखना, मुझे कैसे दिखेगा, सुंदर लग रहा है। फिर से हम सोलन पहुँच चुके हैं और उसी जगह पे अंचल, जिन्होंने हमें देखा था ना सब्सक्राइबर ने, ये हमने आपको वहाँ पे देखा था डीसी ऑफिस के पास, आज फिर वही उसी, हाँ वहाँ पे जिस जगह हम ऑटो के लिए खड़े थे ना। हाँ चल आज कुछ ज़्यादा क्राउड लग रहा है ना, पर सवारी नहीं है ऑटो के लिए, बट ऑटो भी नहीं आज इतने, वो आ रहे हैं दो ऑटो। ऑटो लेकर के पहुंच के हम सोलन के बाईपास में, यहाँ पे बसें भी रुकती है लेकिन हम लोग बस स्टैंड चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ से सीट की अवेलेबिलिटी हो जाती है। और अभी फ्रूट चाट देखा था अंचल ने, कहाँ देखा था, यहाँ पे कहीं फ्रूट चाट देखा अंचल ने, तो पहले फ्रूट चाट खाते हैं, कहाँ से हम लेंगे अब राजमा चावल एक प्लेट, क्योंकि बस हमारी खड़ी हो गई है और सब थोड़ा थोड़ा सामान ले रही है, लेकिन हमें भूख लगी क्योंकि हमने खाया ही नहीं है दोपहर को कुछ भी, वैसे थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह चल गया है, तो भी यहाँ पे राजमा चावल और एक कप चाय। आज हमें वापसी में फिर से हरियाणा रोडवेज की बस मिली है एसी वाली, और इसमें सफ़र अच्छा हो जाता है। अभी हम रुके थे यहाँ पे ढाबे में चाय पानी के लिए, बस रुकी थी तो हमने राजमा चावल खाए, और बाकी खाना हम लोग चंडीगढ़ ISVT 43 में जा कर के खाएंगे। अंजल क्या खाना है, खाना खाना है यहाँ पे, थाली ले लेते हैं वहाँ पे जो हमारा काउंटर है ना हिमाचल वाला, उसके पास है रेस्टोरेंट, वहाँ पे खाते हैं ना। जितनी भी सारी बसें ना हिमाचल के, हिमाचल जाने वाली बसेज है, बैजनाथ, वो सारी ऊना साइड की है, इस साइड में नाली वाली होगी। अंचल अब यहाँ आके इसको लग रहा है कि यार कितना अच्छा एयर बस स्टैंड है ना,
क्या सोच रहे कि पूरा चलता रहेगा, खुला रहता होगा ये, यहाँ से पूरी रात बसें मिलती है, कभी भी आओ ना, मतलब बसें चलती रहती है यहाँ पर। और ये सारी बसें हिमाचल में जा रही है, हरियाणा रोडवेज की भी, उधर तो हिमाचल अल्टी हिमाचल में जाएगी ही। और जो टिकट काउंटर है उसमें देखो कितना रश है, ये सारा कांगड़ा चिंतपुर्नी ज्वाला जी ऊना उस साइड के लिए क्राउड है सारा ये, और हिमाचल की बसेज के लिए सारा ये। चलो जी गृह प्रवेश हो गया, सब हमें मिल गए और हम सबके साथ घर आ गए। नहीं तो नहीं आप बाते। नहीं तो फिर हमें कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ता, टैक्सी करके आना पड़ता ना। लाइट ऑन कर दो इधर की, मैं इधर के कर देता हूँ। सो गाइस बाय बाय, इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। आईना पूरा थक चुकी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज के दिन में, और लास्ट में हमें मतलब डी मिल चुके थे, इस वजह से हम घर पहुँच पाए टाइम से, लेकिन बहुत टाइम हो जाता। और अभी ना 12:45 का टाइम हुआ है, और जो रामलीला मैदान में रामलीला का प्रोग्राम चल रहा है अभी, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे, कल जाएंगे ज़रूर। और परसों दशहरा है तो दशहरा देखने भी ज़रूर जाएंगे, कल नवमी है, कल सुबह उठ के कंजक पूजन भी करना है। अभी के लिए इस वीडियो को ही पेंड करते हैं, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। बाय बाय गाइज, वो देखो सामने स्टार्स।